प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाएंगे, जहां वो यूएनजीए को संबोधित करेंगे। यूएनजीए में संबोधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी टेक्सास के ह्यूस्टन में एक बड़े इवेंट में भी शामिल होंगे, जहां वो 50,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करेंगे। खास बात ये भी है कि इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल होने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर डोनाल्ड ट्रंप का हाउडी मोदी कार्यक्रम में स्वागत किया है। पीएम ने ट्विटर पर लिखा, अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से भारत और अमेरिका की दोस्ती के लिए एक स्पेशल संकेत दिया गया है। मुझे खुशी है कि डोनाल्ड ट्रंप ह्यूस्टन में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। मैं भी भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहा हूँ। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजी की अंतिम लिस्ट आने के बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में भी इसको लागू करने की मांग उठने लगी है। पहले बिहार और अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी लागू करने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो यूपी में भी एनआरसी लागू करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को सोमवार को पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया। इतना ही नहीं, जिस स्थान पर अब्दुल्ला को रखा जाएगा उसे एक आदेश के जरिए अस्थायी जेल घोषित कर दिया गया है। अब मौजूदा व्यवस्था के तहत 2 साल तक वो डिटेंशन में रह सकते हैं, जिसमें उन्हें कुछ रियायत मिल सकती है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने रविवार रात भर मोर्टार शेल दागे, जिसका भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत पाकिस्तान के बीच खराब हो रहे रिश्तों के बीच पाकिस्तान सीमा पर लगातार भड़काऊ कार्रवाई कर रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले बसंत राव ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का 74वां जन्मदिन है। जन्मदिन पर उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम ने पत्र लिखा है। जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ ही कार्ति चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर कई मुद्दों को लेकर हमला बोला। वो 19 सितंबर तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। राम जन्मभूमि मामले को आपसी रजामंदी से सुलझाने की एक और कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्वाणी अखाड़ा ने एक बार फिर मध्यस्थता की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त मध्यस्थता पैनल के अध्यक्ष जस्टिस कलीफुल्ला को पत्र लिखा है। रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम पक्षकारों में से कुछ का मानना है कि राम जन्मभूमि हिंदुओं को देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसके बाद हिंदू किसी अन्य मस्जिद या ईदगाह पर दावा नहीं करे। देश के एक और राज्य में नया ट्रैफिक कानून नहीं लागू होगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा में इस फैसले की घोषणा की। के चंद्रशेखर राव ने कहा कि राज्य सरकार ट्रैफिक उल्लंघन की समस्या से निपटने के लिए अपना कानून लाएगी। उन्होंने कहा कि भारी भरकम जुर्माना लगाकर लोगों को परेशान करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। एयर इंडिया को वित्त वर्ष 2018 से 19 में 8,400 करोड़ रुपए का जबरदस्त घाटा हुआ है। एयर इंडिया पहले से ही लंबे समय से पैसों की कमी से जूझ रही है और कर्ज के बोझ में दबी हुई है। ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट और फॉरेन एक्सचेंज लॉस के चलते कंपनी को भारी घाटा उठाना पड़ा है।